नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। पटना की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है गंदगी। और अभी जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप देख लीजिए, ये कूड़ा का भरमार लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग कूड़ा चुन रहे हैं। जब बात होती है हेल्थ की और उस चीज़ की कि सफाई से लोग स्वस्थ रहते हैं, तो ये स्वस्थ कैसे रहेंगे इस कूड़े में और इस गंदगी में, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पर इनकी ये मजबूरी है। यहाँ से लेकर वो एंड तक, यहाँ से जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे और यहाँ की औरतें और लोग, वो कचरा चुन करके इसी यहीं झोपड़ी में रहते हैं। और विकास के नाम पे कितनी तरक्की हुई है वो आपको दिख रहा होगा। इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, जो कि जो सरकारें जो आए दिन दावा करती है कि गरीबों के लिए काम करती है, या फिर जो लोग खाने के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए काम करती है, तो उन लोगों के लिए सरकार कितना काम करती है, इस पर बात करने के लिए इन लोगों से ही बात करते हैं। और कूड़ा चुन के कितना ज़्यादा कमा लेते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो आइए चलिए। हुआ लक्ष्मीनिया देवी, कपड़ा चुनती हैं? हाँ, कचरा कि कितना कमा लेती हैं इतना कचरा चुन चुन? दीदी, दो दिन में 200-150 माल ना मिले दीदी, 150-200 रुपया दो दिन में बेची ली। बस आओ का किराया के घर ने रही लुआ। कहाँ रहती है? आई कहाँ रहती है? ये पक्का कुइयां। पक्का कुइयां माने यहाँ से कितना दूर? गवटोली ने। तो ई सब जो कचरा है आप ही सब जमा की है? कवारी ने, कवारी की दुकान है, हम कवारी ने बेचते हैं माल। अच्छा। दिन भर गांधी मैदान चुनते हैं। अच्छा, तो ये एक बोरा से कितना मिल जाता है? 200-250-150। और कितना परिवार है आप लोग? 6 परिवार। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, सब देख रहे हैं कि घूम घूम के सब वोट वोट मांग रहा है। हाँ। आप लोगों का कितना मदद किया चाची सरकार? हम सके जीते तो हारे तो यहाँ से भाग, झोपड़पट्टी तोड़ दे। हमने के तो झोपड़पट्टी ना है, तमने किराया रूम ने रहिला। आओ का कितना किराया देती हैं? हैं, कितना किराया? 3000। 3000 किराया देती हैं। और कितना लोग रहती हैं? हम सब 6 परिवार हिला, तू को बहन बेटी है, टूर वो आवे तो रहे हैं। इसमें कोई मदद आप लोगों को किसी तरह का कोई मदद? कोई ना, दू गो टूर के रख लेला, एगो के हाले मतारी मरला के, तो 3 गो टूर है, 3 गो हमने, 4 गो हिला माल बाल बच्चा, 7-8 गो परिवार मरदाना ना है। और मदद किसी तरह का कुछ नहीं? कोई ना, कन्हू ना है, पावर चाव तो देवे ना करके कि लो पका के खा लो, ऐसा लॉकडाउन ने हम तो सर्वे। अच्छा, ये चाची नीतीश कुमार को जानती हैं? नीतीश कुमार सब सबके जाने ही, मगर कोई कोई मदद ना कर। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलेंगी? हम काची बोली नीतीश कुमार के, हमरा मदद कर ले, हम चुनी लता खाई ला, हमरा कौन कौन मदद करता? वो खाली बोर्ड लेवा है ऐसे करके हाथ जोड़ के, आ फिर बोर्ड जीत जाए तो अपन घर चल जाए, अपन जोरू बेटी ने में जनता के तो ना, तो उसे हम अपन चुनती ला, दखती ला, बोर्ड ला रहे तो जी बोर्ड। कितना लोग यहाँ आती है कचरा चुनने आपके साथ, और कितना लोग? पूरा झोपड़पट्टी है ना, इधर भी है, उधर भी है, उधर मुसर टोली, उधर भी सब चुनता है, सबका बच्चा चुनता है। हाँ। अच्छा। कोई काम करता है, कोई नाली मोरी करता है, कोई चौका बर्तन करता है, जिसको मिल जाता है कर लेता है। अच्छा। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे कचरा चुनने का काम करते हैं। चाची यहाँ पे साफ तौर पे काफी गुस्सा थी, कह रही थी कि जीत जाए तो भी और ना जीते तो भी सरकार से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी तरह का कोई मदद मिलता ही नहीं है, तो फिर उम्मीद ही क्यों रखना। कुछ और भी बच्चे हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। आप देख लीजिए कचरा में है बिल्कुल। और पटना की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कहीं ना कहीं यही है कि कचरा बहुत ज्यादा है। एक बार आप देख लीजिए, ये यहाँ पे इतना कूड़ा है, ये पूरा जो है वो कूड़ा का भरमार है, ये लोग कचरा चुनते हैं और इसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे जिनकी उम्र अभी पढ़ने की है। हम लड़ते हैं हर दिन चाइल्ड लेबर को लेकर के कि बाल मजदूरी नहीं करवानी है। मैं हालांकि यहाँ पे इनके परिवार को दोष नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि गरीबी है और गरीबी ही उनको ये करने पे मजबूर कर रही है। रोहित, पढ़ते वढ़ते हो कि नहीं? पहाड़ के छोड़ दिए। पढ़ के छोड़ दिए? तुम अशांति से खड़े हो जाओ फिर तुम कर लेना। कहाँ तक पढ़ के छोड़ दिए? सातवां क्लास। सातवां तक पढ़ के छोड़ दिए? क्यों? का करे, घर में कोई कमाए वाला नहीं है, हम ही कमाते हैं। अरे मम्मी कमाती है, आओ का कचरा चुन के कमाते हो? काम करते हो? और क्या काम करते हो? बस यही काम करते हैं, कुछ नहीं, कचरा ही चुनते हो ना? हाँ। कितना मिल जाता है भाई? 200 देता है। 200 देता है एक बोरा पर ना? तब दिन भर खटते, तब दिन भर खटता है तो 200 रुपया मिलता है, उससे कितना परिवार चलता है भाई तुम्हारा? चल जाता है खाने भर के लिए। आओ, तुम पढ़ाई का है छोड़े ही बताओ। अजी घर में कोई नहीं कमाए वाला, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? दिन भर कमाने में गुजर जाता है, इसलिए पढ़े नहीं। तुम इंटरेस्ट था पढ़ने में, मन करता था पढ़ने का? पढ़ने का मन करता था, पर गरीब घर का लड़का क्या करेगा? तो सुनो ना, अब सरकार मुफ्त में पढ़ाती है 10वां तक को सरकारी स्कूल में,
और उसके ऊपर पैसा भी मिलता है, तो क्यों नहीं पढ़े? आज बोले तो पढ़ के छोड़ दिए, सतमा तक ल सतमा तक पढ़ के छोड़ दिए। सस्ती देवी ये कचरा आप ही चुनती हैं? हाँ। कितना मिलता है दादी? तीस को बीस को बोरा पर। हाँ। आप कितना चुन लेती हैं दिन भर में? दिन भर में यही इतना सामान चुनती है। इतना चुनी है अभी तो, कब जाएंगी बेचने? कब जाएंगी? अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं। कहाँ रहती हैं इसमें? हाँ। कितना लोग? दस गो लोग इसमें रहती हैं। के बेटा पुतो बाल बच्चा सब। तो सब कचरा चुनता है? हाँ। सब लोग कचरा चुनते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सरकार कोई मदद उदद करता है जी? है? सरकार उनका कोई मदद करता है? मदद कहाँ करता है, यहाँ अपने सब भूखे यहाँ मिट्टी हो, न ठीक से पेंशन मिलता है न कुछ। कुछ नहीं। और दिन भर में कितना 20 को 30 को एक बोरा पे कमाती है? हाँ। कितना बोरा बेचती हैं? वही 50-60 के। 60 को बोरा बेच लेती है दिन भर में। हाँ। और उसी से परिवार चल रहा है। अब बेटा भी कचरा ही चुनता है आपका? ठेला चलाता है। हाँ। और ये सब आपका नाती पोता है? हाँ, नाती पोता है। तो इधर कोई भी विधायक, अभी सब लोग आ रहे हैं, अभी हम देखे इधर से कुछ लोग गुजरा है वोट मांगने के लिए, उन लोग वोट मांगने आते हैं तो आप लोग बोलती नहीं है कि इसके लिए कुछ काम उम करिए, खाली वोट घर बनावे न कुछ हम सके कुछ खेती घर में तो ये वही में बेटा पुतो सब रहता है। हाँ, हम सब तो रोड पर सुतते हैं, रोड पर सुतता बाल बच्चा अथी करके घर नहीं हम सके। तो इन लोग वोट मांगने आते तो आप लोग बोलती नहीं है कि काम करोगे तब ना वोट मिलेगा? तो हम कुछ बोलेंगे ही, हम वोट उठ देते हैं कि नहीं? वोट तक जाते हैं। वोट देते हैं किसको? हाँ। देते हैं जाती? अब वो पाटा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बस खाली दे के दे देती हैं। अब कोई नेता पसंद है आपको? किसी नेता का नाम जानती हैं बिहार में? हाँ, वो सब हम नहीं। लालू यादव को जानती हैं? लालू जानते हैं। हाँ, वो तो हम सके कहाँ बना, देहात में सब कुछ बनाता है, हम सके कहाँ या कुछ बनाता है। नीतीश कुमार का नाम सुनी है? हाँ, वो वही है। हाँ, कोई बढ़िया नहीं है? कोई बढ़िया नहीं है। जे? क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, ड्राइवरी करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं, क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलाहुद्दीन। सरकार कैसा काम की बिहार में? ठीक है, मिला जुला के जो भी है सब ठीक ही है। सब मिला जुला के ठीक है। वोट मांगने लोग आ रहे हैं? मांगे तो खाएगा, कल तो भूखे रहे नहीं है, तो इसका सरकार क्या कर रहा है हमको? कुछ नहीं, अभी बैठे हुए तो कौन दे रहा है, कुछ नहीं कमाएंगे तो भाई। वोट मांगने लोग आ रहे हैं? वोट मांगने तो अभी तो नहीं आया, बाकी आएंगे तो देखा जाएगा। नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं ऐसे तो, अभी सरकार में तो नीतीश कुमार सही है कर रहे हैं, बाकी अब आगे चल के क्या है ना, अब कैसे कर जाए। कोई विकल्प के रूप में किसी को देख पा रहे हैं बिहार में? विकल्प कोई सब तो बेरोजगारी है, न फैक्ट्री है, न कारखाना है, न कोई जॉब है, न कोई ऐसी कारखाना है जिसमें कमा सकता है। रोड पर किसी तरह से ऐसी भी रिक्शा ठेला मजदूरी करके खा रहा है बिहार में। बिहार के आदमी जब बिहार में कंपनी रहती तो विदेश कहाँ ले जाते हैं, गुजरात कहाँ ले जाते हैं? तो इस तो नहीं है, रोड बना दे इसको कुछ नहीं रहता, रोड मेरा खाना नहीं ना मिलेगा ही। अब जाते हैं जैसे आधार कार्ड पहचान पत्र बनने के लिए जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। राशन कार्ड दिए ना जी, जब बिहार के बसिंदा हैं राशन कार्ड दिए, राशन कार्ड पर सब कुछ होना चाहिए, कोई भी प्रूफ एक होना चाहिए सरकार को, तो 10 प्रूफ लाइए तब होगा, तब लोग तो बेरोजगारी है, हम लोग को है कहाँ कुछ, अब नहीं है तो मतलब बिहार में होना चाहिए बदलाव। जी बदलाव तो जरूरी है। मेरा नाम टेनी देवी है। टेनी देवी है, आप भी कूड़ा चुनती है क्या? कूड़ा चुनते थे, जब बच्चा लोग सियान हो गया तो बच्चा लोग चुन के खिला रहा है, हम बैठे रहते हैं घर में। काहे चाची, कितना छोटा छोटा बच्चा लोग है? ये बच्चा है वो अभी चुन के आई से, यही कचरा चुन के आए हो? हाँ। कचरा चुन के? बोली ना कितना कचरा चुनते हो बाबू दिन भर में? ₹20। सुनो ना, पैसा मिलता है कितना? ₹20। मम्मी सिखाएगी तो नहीं, अपने से बताओ कितना कमाते हो? ₹20। और उला के मम्मी को देते हो? हाँ। अब पढ़ते नहीं हो? नहीं, नाम लिखाएंगे, लॉकडाउन के चलते स्कूल ने नाम नहीं लिखा रहे, सब स्कूल बंद है, तब उन खुलेगा ना? बेटी पढ़ती है? बेटी पढ़ती थी तो पढ़ाई करना नहीं चाहती है, बैग के बिग दिया गली ने, अब भाग गया बक्सर थाना ने पकड़ा गया था, उसको छोड़ा के लाए। काहे थाना में काहे पकड़ाई थी? भाग गया कि हम नहीं पढ़ेंगे स्कूल ने। बिहार में अभी चुनाव है, लोग आ रहे हैं वोट मांगने को, कोई आया इधर वोट मांगने अभी तक? नहीं, एगो तो गया अभी मांगने नहीं गया, पर्चे उर्चे बांट के गया, जिसको जिसको नाम आया है ना वो सबके पर्चे दिया है, हम सबके भी नाम नहीं आया है,
और बार बार हम सब झुग्गी कबर जाता है। जब से मेरा बाट भारती देवी बाट कंडीशनर बना है वो बेचारी हम सब रोके हुए झुग्गी झोपड़ी ना तो हम सब वही छटने कबर जाता। बाकी हाँ मेरा लोग रहते हैं इसने तो हमने के बहुत बच्ची था तो सबके शादी ब्याह कर दिया था सब चल गया। अब सिंगल पीस यही दू गो हम सब हैं। ये दो बच्चे और हाँ, और आपके पति? पति है ठेला चलाता है गया ठेला चलाने के लिए। ठेला चलाने गया है हाँ। तो मतलब नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं आपको नरेंद्र मोदी की तरफ से मतलब कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद हुआ है यहाँ पे नीतीश कुमार से फिलहाल ये लोग खुश नहीं है। तेजस्वी यादव को वोट देने की बात कर रही है। आप अपना नाम बताइएगा। बताइए बोलिए बोलिए नाम बताइए। मेरा नाम संजू देवी है। नीतीश कुमार को जानती हैं? जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं हमारे जानती होंगी सुनी तो होंगी थोड़ा बहुत। हाँ सुने हैं। कैसा काम किया बिहार के? हम लोग कैसा काम लोग को रेंट पर आते हैं झोपड़ी तक कवर गया तो हम रेंट पर आते किराया देके। कवर कैसे गया? ये जो झोपड़ी था मतलब नहीं अब जगह हुआ नहीं है तभी किराया दे के रह रहे हैं। किराया दे के कितना हाँ, परिवार रहती है? कितने? हाँ मैं दो मेरा बच्चा है मेरा हस्बैंड है बस। चार लोग रहते हैं? चार लोग रहते हैं। तो मतलब मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम किए बिहार? हम लोग ने क्या कुछ किए हैं हम लोग सब दिन कमा अपने कमा अपने खा रहे हैं। क्या करती हैं? कुछ नहीं हम जाते हैं हाउस पीकिंग का काम करते हैं। हाउस पीकिंग का काम करते हैं? हाउस कीपिंग का काम करती हैं। अच्छा अच्छा तो बच्चे पढ़ा रही है ना? अभी मेरा छोटा छोटा बच्चा है तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी छोटे बच्चे बहुत छोटा है वो 3 साल का है। और किसी नेता को बिहार में जानती है नीतीश कुमार के अलावा? जानते बाकी जानते तो बहुत कुछ जान के का करेंगे। तेजस्वी यादव का नाम सुनी है? नहीं सुने मैडम। नहीं सुने हैं? नहीं। ठीक है क्या नाम हुआ आपका? राकेश। मुख्यमंत्री जी कैसा काम किए? बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया देख रहे हैं लोग के रोड पर जनता बेहाल है हाँ। आगे क्या कहना अगला बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। मतलब बहुत बढ़िया काम टोंट में बोले आप। हाँ देख नहीं रहे सर। अच्छा ये अंकल कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किए हैं ये आप देख लीजिए। बाकी बिहार का विकास यही है और बिहार की जनता जो बोल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि जो विकास है वो दिख रहा है तेजस्वी यादव आने चाहिए। क्या भरोसा है कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो बिहार की ये जो तस्वीर है ये बदल जाएगी? युवा नाते हैं। युवा है इसलिए जी उनका बोलने का कॉन्फिडेंस है कुछ बात हम लोग को अच्छा लगता है इसलिए अगला मुख्यमंत्री हम लोग बिहार के वही चाह रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चाहते हैं? जी जी जी। ये कितने साल से यहाँ पे ये लोग कूड़ा चुनती है? यहाँ लमसम 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया हाँ। इतना में इन लोग को और कहीं से मदद उदद मिला? कुछ नहीं लॉकडाउन में तो हम लोग देखे लोग बेचारा त्राहिम त्राहिम मचा कोई नेता लोग को देखने नहीं आया अभी तक। वोट मांगने लोग आ रहे हैं? हाँ वोट मांगने डेली आता कम से कम सैकड़ों लोग आते हैं। बिहार आपके यहाँ विधायक जो है नितिन नवीन जी डेली दौड़ रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं नितिन नवीन? देख नहीं रहे मैडम सब काम देखिए ना उनका क्या है। यही काम है नितिन नवीन बस बस देख रहे लैट्रिन बना हुआ है उसको चालू लोग नहीं कराए अभी तक। जी वो बना है लेकिन चालू नहीं है क्यों? तो फिर लोग कहाँ जाते हैं? ताला तोड़ के जाते हैं ये लोग। अच्छा ये शौचालय यहाँ पे बना हुआ है जिसको अभी तक खोला नहीं गया है और ये लोग जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे कूड़ा चुनते हैं और अपने परिवार को रखते हैं ये अभी तक खुला नहीं है तो ये लोग पीछे ताला तोड़ कर जाते हैं बाथरूम करने। ये विकास है बिहार का। देखते जाइए और भी ऐसे कितने ही सारे जो विकास हैं वो आपको दिखते रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ऐसे शहर में आके खड़े होते हैं और उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आए दिन आपके सामने आती है ना तो कहना बहुत बुरा लगता है कहने में कि हम पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शादी हुआ है क्या यहाँ पे? किसका? चली गई विदाई कर दिए? अच्छा आपकी बेटी थी क्या? तबीयत खराब है क्या हो गया? सर्दी खांसी जा रहा बुखार। सर्दी खांसी बुखार अच्छा ये शादी यहाँ पे हुआ आपके घर में? आपके घर में तो चली गई बेटी। अच्छा एक बात बताइए बिहार में चुनाव है और लोग यहाँ रोज रोज वोट मांगने आ रहा है दादी कितना काम हुआ इधर आप लोग के लिए? कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। विधायक जी कैसा काम किए? विधायक जी को जानती हैं? का नाम है? भारती देवी। भारती देवी की नितिन नवीन? भारती देवी। भारती देवी नाम है। अच्छा वो अच्छा काम की हैं? हमने के कौन काम कर लखे राशन कार्ड तो बनवे ना कर लखे। नीतीश कुमार दादी कोई ना कुछ कर लखे हमने के।
महिलाओं से बात हुई, उन छोटे छोटे बच्चे से बात हुई जो कूड़ा चुनते हैं। कोई लोग पढ़ रहे थे, कोई लोग सातवां आठवां तक पढ़ के छोड़ दिए, इसलिए क्योंकि घर में कमाने वाले अकेले हैं और कूड़ा चुन के ही अपना परिवार चलाते हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी कितना काम किए हैं और विधायक जी कितना काम किए हैं वो इनकी जुबानी ही आपने सुन लिया। बाकी ये वहाँ से यहाँ तक लेकर के कूड़े का भरमार है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये पूरे कूड़े में कचड़े में ये लोग रहते हैं, ये महकता है और इसी के बीच ये लोग कितना स्वस्थ रहते हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।